यहाँ पे आईटी कंपनी इंफोसिस के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंफोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की क्वार्टरली बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन अगर हम बात करें, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 6% बढ़कर 27,896 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी का अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में निकल कर आया है। और यही अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 17.9% बढ़कर 27,896 करोड़ का यहां पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर भी रेवेन्यू ग्रो हो रहा है और ईयरली बेसिस पर भी यहां पे हमको रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पर सिर्फ 2.3% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ी है और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 5,195 करोड़ का। तो देखिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम क्यों बढ़ा है, इसके पीछे के रीजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 22.7% का ग्रोथ हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो ईयरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो वो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमें नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन परसेंटेज होता है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जिसके अंदर जो इंटरेस्ट और जो टैक्स पेमेंट कंपनी करती है उससे पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज होता है। तो ये देखिए, ये अभी निकल कर आया है 23.7%, जबकि पिछले साल जून क्वार्टर के एंड में ये परसेंटेज था 22.7%। यानी कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ये नंबर हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन यही अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो ये देखिए, ये 24 क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट है, थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया। तो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था 24.5% और अब कितना है, 23.7%, यानी कि 0.8% का यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में। और उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमको रेवेन्यू के कंपेरिजन में कम बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, कोविड के इश्यूज भी चल रहे थे अप्रैल और मई में, दोनों में हमको पता है कि जो कोविड का सेकंड वेव था उसकी वजह से थोड़ा अफेक्ट हमको बिजनेस पे आता हुआ नजर आया है। तो इसीलिए अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे देखें तो कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे अच्छे निकल कर आए हैं। अब ये देखिए, 6,63,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से ये कंपनी एक कंपनी है। तो देखिए, ऑलमोस्ट जितना इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसी वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो भी 8.68 times, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इश्यू नजर नहीं आते। और 1.73% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी है, तो यहाँ पे ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार कंटिन्यूअसली इस कंपनी के रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अराउंड 15% की ग्रोथ यहाँ पे हर साल हमको देखने को मिल रही है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये देखिए, 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में एक बार प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, 1576 पे ये स्टॉक अभी आज क्लोज हुआ है और इसका ऑल टाइम हाई देखिए 1591 का है। तो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ आपको 1% ये स्टॉक अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर होना चाहिए। और खास करके अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर नहीं हो, लेकिन आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो यानी कि ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो और वहीं पे पैसा डालते हो जहां पे डूबने का चांस कम है, तो मेरे ख्याल से इंफोसिस में से एक कंपनी है, तो मेरे ख्याल से इस काउंटर पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो यहां पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए, और अगर ये स्टॉक गिरता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वहां पे आपको एवरेज करते रहना चाहिए। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि इंफोसिस के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।